नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव, मैं हूं बरुणेंद्र। जैसा कि आप जानते हैं, मतगणना शुरू हो चुकी है और 2 घंटे बीत चुके हैं मतगणना के। हम नवादा संसदीय क्षेत्र की जो मतगणना हो रही है, नवादा के KLS कॉलेज सेंटर पे हम वहाँ मौजूद हैं। और फिलहाल स्थिति ये है कि औपचारिक रूप से ऑफिशियल 1 राउंड के मतगणना की समाप्ति की घोषणा की गई है और उसमें जो नतीजे आए हैं उसमें करीब 7,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं विवेक ठाकुर, वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी को पहले चरण में ये फर्स्ट राउंड की जो मतगणना हुई है उसमें 22,724 मत मिले हैं और उनके जो प्रतिद्वंदी हैं राष्ट्रीय जनता दल के श्रवण कुशवाहा को 15,479 मत मिले हैं। कुल मिलाकर 7,245 मतों के अंतर से पहले राउंड में बढ़त है। हालांकि अनऑफिशियल तरीके से जो सूचना जो रुझान आ रहा है उसमें ये है कि 3 राउंड की मतगणना करीब करीब सभी विधानसभा क्षेत्रों में समाप्त हो गई है और अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही बढ़त मिल रही है। वैसे पल पल ये मतगणना पर हमारी नज़र बनी हुई है, जैसे कुछ और अपडेट्स आता है हम आपके सामने लेकर आधिकारिक रूप से सामने आएंगे, जब आधिकारिक जानकारी हमें मिलेगी। तो फिलहाल यह है कि नवादा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक ठाकुर प्रथम चक्र की मतगणना के बाद 7,245 मतों से आगे चल रहे हैं। तो आप इंतजार कीजिए, मैं जैसे कुछ और अपडेट आएगा हम आपके सामने लेकर आएंगे। इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही। अपील कर, अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। गतिविधि पर सर, थोड़ा सा सुरक्षा को लेकर 3 लेयर में सिक्योरिटी रखी गई है और सबसे बाहर जो 100 मीटर की परिधि में वहाँ पे जिला बल को रखा गया है और साथ ही जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया है। यहाँ पे जिनकी ज़रूरत है या जो यहाँ पे बास के साथ आए हैं केवल उन्हीं को अलाउ किया जा रहा है। 2nd लेयर पर जो गेट पर है वहाँ पर BSAP की फोर्स रखी गई है और जहाँ पर काउंटिंग हॉल है वहाँ पर जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको रखी गई है। अंदर भी विधि व्यवस्था प्रॉपर बनी हुई है सब जगह और कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू होगा।